क्या आप भी अपने फाइल मैनेजर में लॉक सेट करना चाहते हैं ताकि आपके बिना परमिशन के कोई भी आपके फाइल मैनेजर को छेड़छाड़ न कर सके। वेल, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है चित्रंजन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सहारा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियोज लाते रहता हूँ। और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, ताकि आप लोग अच्छा से समझ सके। दोस्तों, अब हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं। फाइल मैनेजर में लॉक लगाने के लिए आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐप लॉक का ऑप्शन यहाँ नहीं मिले तो आप ऊपर सर्च सेटिंग्स पर क्लिक करके ऐप लॉक लिखकर सर्च कर सकते हैं। ऐप लॉक लिखकर सर्च करते ही आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको बता दें, मेरा मोबाइल एमआई का है, इसलिए ऐप लॉक का ऑप्शन सिंपल सर्च में मिल गया। हो सकता है आपका मोबाइल किसी दूसरे कंपनी का हो और ये ऑप्शन कहीं और देखने को मिले, इसलिए आपको अपने सेटिंग्स में ऐप लॉक के ऑप्शन को खोज लेना है। उसके बाद आपको इस ऐप लॉक पर क्लिक करना है। ऐप लॉक पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आपको टर्न ऑन पर क्लिक करना है। टर्न ऑन पर क्लिक करते ही यहाँ से आपको लॉक सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने पैटर्न को डाल देना है, जो भी आप पैटर्न लॉक सेट करना चाहते हैं। आपको दोबारा सेम उसी पैटर्न को डालना है जिस पैटर्न को आपने पहले डाला। दो बार सेम पैटर्न को डालने के बाद आपको इस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बहुत सारा एप्लीकेशन सिलेक्ट मिलेगा, बट यहाँ से आपको सभी एप्लीकेशन को अनसिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ फाइल मैनेजर को सिलेक्ट रखना है, बाकी सभी एप्लीकेशन को अनसिलेक्ट करना है, क्योंकि हम फाइल मैनेजर में लॉक सेट करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आपको यूज ऐप लॉक पर क्लिक करना है। यूज ऐप लॉक पर क्लिक करते ही आपके फाइल मैनेजर में लॉक सेट हो जाएगा। तो चलिए हम अपने फाइल मैनेजर को ओपन करके देखते हैं लॉक सेट हुआ है या नहीं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइल मैनेजर को ओपन करते ही यहाँ पर पैटर्न मांगा जा रहा है। तो चलिए हम अपने पैटर्न को डाल देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पैटर्न को डालते ही मेरा फाइल मैनेजर ओपन हो चुका है। इसी तरह से आसानी से आप अपने फाइल मैनेजर में लॉक को सेट कर सकते हैं।